तो भैया आज अब हम इसे लगाने चल रहे हैं। हाँ। कैसे लगाएंगे भैया इसको? इसको भैया गोबर खाद डालनी पड़ेगी भैया। अच्छा, गोबर खाद पर उसमें डालना पड़ता है। हाँ। तो कितना डालेंगे अपन इसमें गोबर खाद? इसमें 20 ग्राम। 20 ग्राम गोबर। हाँ। अगर गोबर खाद नहीं डालेंगे तो भैया क्या होगा इससे? गोबर खाद नहीं डालेंगे भैया तो जो गलन की बीमारी आता है। हाँ हाँ। ये पौधों का गला देगी भैया। और ये गोबर खाद डालने से ये बीमारी खत्म हो जाती है, नहीं आ पाए। अच्छा, इससे यानी पौधे गल नहीं पाएंगे। हाँ, गल नहीं पाएंगे। अपन इसमें 20 ग्राम क्या कहते हैं गोबर खाद डाल। हाँ। तो इसमें भी निप्रोट डाला होगा। हाँ, ये निप्रोट से उपचारित है वो। हाँ, उपचारित है। हाँ। तो इसके बाद फिर अपन इसको डालेंगे। हाँ। तो इसको कैसे लगाते हैं ये पेड़ को? पेड़ को लगा के दिखाते हैं तो उसको ऐसा पकड़ लेने को चाहिएगा। अच्छा, यानी दोनों हाथ के अंगूठे से। हाँ, इसको फिर भी कैसे करते हैं? इसको भैया ऐसे लगा देते हैं। लगाने के बाद ये जो आखिरी पत्ती है वो पत्ती सिर्फ जमीन में छू है। अच्छा, यानी जड़ पूरा दब जाए और आखिरी पत्ती जमीन में बस छूना चाहिए। जमीन में बस छूना चाहिए। इसको लगा के बताते भी है। हाँ। इसको लगाने के बाद अच्छा ये वाली पत्ती ये जमीन में हर छू जमीन में छू रहना चाहिए। हाँ, छू रहने पर इसमें भी वैसे ही लगाएंगे भैया। हाँ, हुआ। यानी ये आखिरी पत्ती पर जमीन में छू रहे हैं। हाँ, छू रहे हैं ताकि ये ठीक रहे। हाँ, ठीक रहता है। अच्छा भैया, इसको अपन लोग एक से ढाई में क्यों नहीं लगाते? इसको तिकोना में क्यों लगाते हैं? ये भैया ये जब बड़ा हो जाता है। हाँ। तो ये इसका अच्छा हवा भी लगता है और खाद पानी अच्छा दूध बनता है और दोनों साइड का खैर बराबर इस वक्त लगाए उसके सीध में उसके उसके सीध में उसके तो बड़े होने के बाद सड़ जाते हैं। अच्छा, चक्कर खाने लगते हैं। तो भैया तो त्रिभुजाकार का बना हुआ है। हाँ। तो इसको कैसे यानी ये। हाँ। और